मी शेफ चाइना शुमाइल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद चाइना। आप देख रहे हैं कुकिंग विद चाइना और आज यहाँ बनने वाली है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। और आज क्या बनने वाला है, आज यहाँ बन रहे हैं चिकन चुल्लू कबाब। और चुल्लू कबाब के दो नाम हैं, एक इसे चीलू कबाब भी कहते हैं लोग और चुल्लू कबाब भी कहते हैं। तो आप या तो चीलू समझ लें या तो चुल्लू समझ लें, दोनों की रेसिपी एक ही है। इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं तो मैं लेके चलती हूँ आपको इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर मैंने लिया है चिकन का कीमा 350 ग्राम, और चिकन का कीमा लेके मैंने इसको हाथों से स्क्वीज़ कर लिया, यानी कि इसके अंदर जो पानी होता है उसको आपने निथार लेना है, या तो आप मलमल का कोई कपड़ा ले लें उसके अंदर से इसको, इसका पानी जो है एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है उसको रिलीज़ कर लें, या तो आप अपने हाथों की मदद से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बगैर पानी के मेरे पास जो है वो चिकन का कीमा मौजूद है। थोड़ा सा आवाज़ मौसम का असरात है, विंटर है तो थोड़ी सी भारी भारी सी निकल रही है आज। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो गरम मसाला पाउडर मेरे पास मौजूद है 1 टेबल स्पून। साथ साथ यहाँ लिया है मैंने पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, क्रश चिली 1/2 टीस्पून। थोड़ा सा इसका जो फ्लेवर होता है इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं हम करते, इसको थोड़ा सा माइल्ड फ्लेवर की तरफ लेके चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास घी मौजूद है 1 टेबल स्पून, साथ साथ ज़ीरा है 1 टेबल स्पून। ये हैं ब्रेड क्रम्स लिए हैं मैंने 2 टेबल स्पून, जो कि बाइंडिंग एजेंट के तौर पर हम इसे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मेरे पास सॉल्ट मौजूद है, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। और ये थोड़ा सा मेरे पास जो है वो टिक्का मसाला, मैंने थोड़ा सा इसमें फ्लेवर के लिए ऑप्शनल है, आप अगर यूज़ करना चाहते हैं इसको यूज़ करें, अदरवाइज़ स्किप करना चाहते हैं स्किप कर दें। तो यहाँ मैं 1 टेबल स्पून थोड़ा सा फ्लेवर के लिए यूज़ कर रही हूँ। और साथ साथ मेरे पास चिकन पाउडर मौजूद है 1 टेबल स्पून, और इसके साथ साथ मेरे पास मौजूद है जायफल एंड जावित्री। प्याज़े लिए हैं मैंने इसमें 2 अदद, एक को मैं स्लाइस गोल करके रखूँगी प्रेजेंटेशन के लिए, लेमन को हम प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर भी हम शामिल करेंगे। यहाँ पर जो 1 अदद प्याज है इसको हमने बारीक चॉप करके और इसका पानी निथार के, क्योंकि प्याज में मॉइस्चर होता है तो हमें इसका पानी भी निथारना है, तो निथार के हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और इसके साथ साथ जो है वो 1 अदद प्याज के हम रिंग्स वगैरह कर लेंगे, लेमन के कुछ स्लाइसेस कर लेंगे, तो इस तरह से हम इसमें शामिल करेंगे। तो आ जाते हैं सबसे पहले अपनी मैरिनेशन की तरफ, क्योंकि मैरिनेशन का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम इसमें मैं इसमें क्या कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है तो हम इसमें स्पाइसेस करके यहाँ पर मिक्स करके रख देते हैं, उसके बाद हम ये सब चॉपिंग की तरफ आ जाएंगे, थोड़ा सा फ्लेवर इसके अंदर बूस्ट हो जाएगा। तो स्पून ले लूँगी मैं, स्पून ले लिया मैंने, और यहाँ पर है गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, मेरे घर का बना हुआ है, कोशिश करा करें कि गरम मसाले वगैरह घर के बनाएं, तो 1 टेबल स्पून। साथ साथ ये है मेरे पास पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, क्यूमिन ज़ीरा 1 टेबल स्पून, क्रश चिली 1/2 टीस्पून। स्पाइस लेवल थोड़ा सा मैं माइल्ड की तरफ रख रही हूँ, इफ़ यू वॉन्ट तो आप, क्योंकि सर्दियाँ भी हैं थोड़ा सा स्पाइस लेवल। और अच्छा जी, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून आई एम गोना ऐड दिस, टिक्का मसाला ऑप्शनल है 1 टेबल स्पून, फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। जायफल एंड जावित्री मिक्स करी हुई है, नटमेग, और ये मिक्स करके मैंने दोनों को क्रश करके रखा हुआ है, तो ये तकरीबन बस 1/4 टीस्पून होगा टोटल दोनों को अगर मिलाया जाए तो। अच्छा जी, अब हमारे पास सॉल्ट हमने इसमें डालना है, सॉल्ट हम अपने फ्लेवर के हिसाब से डालेंगे, थोड़ा सा आप सॉल्ट कम ही डालिएगा, उसका एक रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि इसमें चिकन पाउडर गया हुआ है, जब चिकन पाउडर का इस्तेमाल करें तो सॉल्ट को, और टिक्का मसाला भी गया हुआ उसमें भी सॉल्ट होता है, तो दोनों को सॉल्ट को बैलेंस करना होता है। अच्छा जी, 1 टेबल स्पून एंड देन 2 टेबल स्पून हमने इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड किए हैं, बाकी की चीज़ें मैं अभी ऐड नहीं करी हूँ, घी सारी चीज़ें तमाम चीज़ें ऐड नहीं करी हूँ, सिर्फ मैं ये वाले स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास मैरिनेशन का टाइम नहीं होता, तो मैंने कहा थोड़ा सा हम इस तरह से इसको मैरिनेट कर लें। अच्छा, इस वाली रेसिपी को आप बड़ी वाली सीखों पे भी, कोल पे भी बना सकते हैं, लेकिन ये मैं क्योंकि घर में बना रहे हैं और बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए बहुत अच्छी है ये रेसिपी, तो मैं क्या करने वाली हूँ इस रेसिपीज को, इस तरह के ये स्कीवर हैं वुडन के, इसके अंदर बना रही हूँ, और आप लंच बॉक्सेस में इसको छोटे छोटे से होते हैं रख के दे दें तो बहुत अच्छा सा एक रहता है। जी जनाब, तो यहाँ जो है ये हो गए जी मिक्स मसाले, इसको अभी हम रख देते हैं, यहाँ से ये एक्स्ट्रा जो हमारी प्यालियाँ हैं इसको उठा लेती हूँ मैं, और आ जाते हैं अपनी बोर्ड की तरफ।
हम मशीन में करेंगे। बस मैं सिर्फ इसके जो है वो पीसेस कर लेती हूँ, इसको पील कर लेंगे अनियन को। ठीक है जी, इसको हमने पील कर लिया और ये हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। थोड़ी सी मैं इसकी साइड्स और हटा दूं। इसको आप रफली सा, अच्छा इसके साथ साथ हमें ग्रीन चिलीज इसके अंदर ऐड करनी है, एक अदद मैं इसमें ग्रीन चिली, एक बस ये हम इसमें ग्रीन चिली ऐड कर रहे हैं। साथ साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे गार्लिक एंड देन जिंजर। इस तरह से अभी मैं सब इसको चंक्स कर रही हूँ सिर्फ, क्योंकि हमें असल तो ये मशीन में करना है। जिंजर को भी हमने चंक्स कर लिए। तीन अदद मैंने गार्लिक के जवे लिए हैं और एक जो है वो टुकड़ा मैंने जिंजर का लिया है। साथ साथ मैंने प्याज ली है और मैं अब इनको करने वाली हूँ ग्राइंड, और ग्राइंड करके हम करेंगे इसमें मिक्स। थोड़ा सा इनको और एक एक हाथ कर लेते हैं। ठीक है चलें जी, ये हमने कर लिया है ग्राइंड। अच्छा मैं ग्लव्स पहनूंगी और हाथों से इसका पानी स्क्वीज करूंगी, उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, इससे पहले नहीं करेंगे। तो ये देखेंगे, मैंने प्याज उठाई और ये देखेंगे इस तरह से ये इसका पानी जो है निकल रहा है ये सारा। हमें ये पानी निथार के निकाल के फिर इसके अंदर हमें ऐड करना है। तो अब मैं इसे ऐड कर रही हूँ। देखें प्याज के अंदर कितना मॉइस्चर होता है, ये सारा हमें चाहें तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि मशीन से बहुत ज़्यादा बारीक हो जाती है। ये इस तरह से मैंने
ये देखें इसका सारा ये वाटर निकल रहा है, ये निकालना है आपने और फिर इसके अंदर शामिल करना है। चलें जी, अब हमने क्या करना है, अब हमें अपने हाथों से इसको मिक्स करना है, गूंदना है, लेकिन हमें उससे पहले इसमें घी को ऐड करना है। तो घी यहाँ पर मेरे पास 1 टेबल स्पून मौजूद है। ये घी, प्याज और ये सारा मिक्सचर मैं इस तरह से मैरिनेट करूँगी। अच्छा, इसी तरह इसको मिक्स करके आपने इसको गूंद लेना है और इसको गूंद के आपने तकरीबन मैरिनेशन टाइम देना है। और मैरिनेशन टाइम आपने कितना देना है इसको, इसको मैरिनेशन टाइम देना है आपने कम से कम 2 घंटे, क्योंकि उसमें ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाता है और इसमें फ्लेवर सारे बूस्ट हो जाते हैं। तो हमें कोशिश यही करनी है कि इसकी मैरिनेशन टाइम ज़्यादा हो। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि वीना सैजी टी वी का यूट्यूब चैनल भी है, जहाँ पर हमारी सारी रेसिपीज़ डेली अपलोड होती हैं। और कुछ लोगों ने मुझे ज्वाइन अभी अभी करा होगा, देखना उनसे जो रेसिपीज़ मिस हो चुकी हैं तो वो कुकिंग विद शाहिना वीनस लिख के हमारी रेसिपीज़ देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मेरा अपना पेज भी है शेफ़ शाहिना शुमाइल के नाम से, तो वो पेज भी आप जो है वो फॉलो कर सकते हैं। उस पर मैं थोड़ा सा एक्टिव रहती हूँ और बहुत मज़ेदार ये बनते हैं चुल्लू कबाब। और मैंने आपको बताया ना इसके 2 नाम हैं, तो एक चीलू इसका नाम है और एक चुल्लू नाम है। अच्छा, आप लोगों ने मुझे जो है ना, जब ये रेसिपी अपलोड हो तो आपने YouTube पे कमेंट करके बताना है आपने कि ये चुल्लू कबाब आप लोग कहते हैं इसे या चीलू कबाब कहते हैं। और देखें, ये बड़ी वाली सीखों पर भी हम बना लेते हैं और इस तरह से ये जो हमारे पास ये वुडन के स्कीवर्स होते हैं हम इस पर भी बनाते हैं। तो मैं इस पर बना के दिखा रही हूँ आपको, लंच बॉक्सेस में आप ये रेसिपी दे सकते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। बस आपने फ्लेवर्स को क्या करना है, स्पाइसेस आप हमेशा सारे डाला करें, लेकिन फ्लेवर्स में जो स्पाइस लेवल यानी कि हमारा पैप्रिका होता है या क्रश चिली होता है, उसको थोड़ा सा, उसकी क्वांटिटी ग्रीन चिली होती है उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दें तो उससे फ्लेवर थोड़ा सा माइल्ड की तरफ आ जाता है। इसके साथ ही साथ टाइम हो गया एक ब्रेक का, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमें ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करना है। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। और ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस और यहाँ बन रहे हैं आज चिकन चुल्लू कबाब, और मैं तो इसे कहती हूँ चुल्लू कबाब और आपने बताना है इसको आप चीलू कहते हैं कि चुल्लू कहते हैं। अच्छा जी, बहुत हो गई इस चीज़ में बहस के चीलू या चुल्लू, चलते हैं इसकी मेकिंग की तरफ। इसको मेकिंग के लिए दोबारा से मैं एक दफ़ा इसको भून लूँगी अच्छी तरह। दोबारा से मैंने अच्छी तरह इसको गूंद लिया है। और अब हम बनाएंगे इसके कबाब। प्लेट ले लेती हूँ मैं और थोड़ा सा हाथों को अपने ग्रीस कर लें आप, मैं ग्लव्स उतार देती हूँ अब। और हाथों को बस यही है कि अच्छा, हाथों की हाइजेनिक का ख्याल रखें, अच्छे से हाथों को धोएं, और क्योंकि कुछ काम जो होते हैं वो ग्लव्स में नहीं कर सकते हैं हम। तो अब मुझे अपने हाथों को हल्का सा ग्रीस करना है। और ये देखेंगे, मैंने अपने हाथों को ऑयल की मदद से ग्रीस कर लिया है। और अब मैंने क्या करना है, एक मैंने लेनी है स्कीवर और यहाँ से मैं लूँगी थोड़ा सा कबाबों को। इसको पहले मैं अच्छी तरह से हाथों से इसको यकजान करूँगी, ठीक है। ताकि ये फटे नहीं, क्योंकि ये हमें फ्राई करने हैं। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाइएगा आप लोग, क्योंकि अपने स्कीवर के हिसाब से आप रख सकते हैं। और आई थिंक, मुझे लग रहा है कि ये मेरे स्कीवर के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं इसको ये देखें इस तरह से हम शेप देते हैं इसको, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा स्कीवर के हिसाब से कीमा ज़्यादा है, तो मैं इसमें से अभी कम कर रही हूँ इसको। थोड़े छोटे साइज के हैं जो मेरे पास हैं। ये देखिए, आप इसको हाथों से अच्छी तरह से, इसको करने का क्या मकसद है ये, ताकि ये इसमें बाइंडिंग आ जाए, आपस में टूटे नहीं। ये देखिए, आपने इस तरह से रोल किया इसको। और अब हमने इसमें ये स्कीवर इंसर्ट किया और अब हम
ठीक है जी, ये इस तरह से आपने बना के इसको रख देना। दोबारा बनाएंगे, थोड़ा सा बैटर हम इसमें और कम लेंगे, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा है, फिर ये फ्राइंग में निकलने लगेगा। भी आप जज्बात में आके जल्दी जल्दी में ये होगा ना कि जल्दी जल्दी से हो जाए तो हम थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा बैटर ले लेते हैं, लेकिन फिर वो बाद में हमें प्रॉब्लम करता है। इस तरह से आप बॉल बनाएं, बॉल बना के इसको आप फ्लैट करें, इसको रोल करें, स्कीफर ये यहाँ लगाएं, ये देखिए फिंगर से इस तरह से इसको प्रेस कर लें और ये इसके जो साइड हैं इसको लॉक कर लें यहाँ से। थोड़ी देर हम इसको रखेंगे तो ये सेट हो जाएगा। ऊपर के साइड्स को भी लॉक कर लें और नीचे के साइड्स को भी लॉक कर लें। अच्छा जी, अपने हाथों को मैं थोड़ा सा ग्रीस कर रही हूँ अगेन, और ये देखें हाथ मेरे हो गए अच्छे से ग्रीस। इसको थोड़ा सा हम और घूम देंगे इस तरीके से। जब आप इसको मैरिनेट कर लेंगे तो ये परफेक्ट अपनी टाइमिंग देगा, ठीक है, परफेक्ट मैरिनेट हो जाएगा, जल्दी जल्दी से इसके कबाब बन जाएंगे, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस और हाथों को ग्रीस कर लेंगे। बॉटल को यहाँ रख दूँगी मैं साइड पे और दोबारा से लूँगी मैं, ठीक है। और ये मैंने देखे छोटे छोटे से, और ये स्पेशली बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि इसके साइज़ जो है वो छोटे हैं और लंच बॉक्स में इजीली आ जाएंगे और वेस्ट भी नहीं होते इससे। ये देखिए आपने अपने हाथों से इसको पहले प्रेस किया, और ये इस तरह से हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। ये देखें इसको यहाँ से लॉक कर लें नीचे से ताकि ये लूज ना हो। ये 1, 2, 3, ठीक है, ये सबसे परफेक्ट बना है इस स्कीवर के हिसाब से क्योंकि ये छोटे थे। पैन को हम थोड़ा सा आप गर्म करने रख देंगे साथ साथ, और अगेन बनाएंगे हम बॉल्स, थोड़े स्मॉल साइज ही लीजिएगा। ठीक है जी, ये यहाँ से दोबारा से इसको ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ से हम कर देंगे इसको लॉक। जी तो ये बनते जा रहे हैं इस तरह से। इस तरह से यहाँ से लॉक कर देंगे। अच्छा जी, अब हम जो बन चुके हैं जितने उनको हम कर देंगे क्योंकि ये एक ही शिफ्ट में होंगे नहीं। अच्छा जी, पैन रख दिया है, पैन हो चुका था बहुत ज़्यादा गर्म तो मैंने शिफ्ट कर दिया था। इसमें हम बहुत थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ये देखें तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल डालना है, और इसको आप थोड़ा सा इस तरह से कर लें, ब्रश से भी कर सकते हैं। और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से आप ये डालें इसमें और इसे फ्राई करेंगे हम। बहुत ज़्यादा नहीं इसमें डालेंगे हम क्योंकि फिर वो हमें चेंज करने में साइड्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, जब तक ये फ्राई हो रहे हैं जब तक मैं और बना लेती हूँ, थोड़ा सा ध्यान भी रखना है इसका साथ साथ। बॉल्स बनाएं। अच्छा जी, इसको हम थोड़ा सा बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं ये। स्टार्टर के तौर पे भी आप इस रेसिपी को यूज़ कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार होती है, पार्टीज होती हैं बच्चों की, अभी तो बच्चों की विंटर पड़ने वाली हैं छुट्टियां, विंटर सीजन जो है वो विंटर वेकेशंस, तो उसमें जो है आप पार्टीज रखते हैं बच्चों के लिए, तो उसमें बनाएं इस तरह की रेसिपीज।
जी। अच्छा मैं बहुत जल्दी देखें ये फ्राई हो रही है। ये देखें परफेक्ट इसका कलर आया है। बस ये तकरीबन हो गई है, हम इसे निकाल लेंगे। ये हम इसको निकाल रहे हैं। इस तरह से आप उठाएं इसको। अच्छा जी, मज़ीद हम इसके अंदर डालेंगे। अच्छा अब जो है हमारे पास थोड़ी सी बड़ी वाली है, तो वो भी मैं डाल देती हूँ। ये देखें पैन मैंने क्यों हटाया, कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, फिर अंदर से गलेंगे नहीं और ऊपर से जल जाएंगी। ये देखें ये इस तरह से हमने फ्राई करने रखी हुई है। मज़ीद हम इसमें बना रहे हैं और जब तक देखें ये फ्राई हो रही है इसमें। अच्छा जी ये देखें, ये मैं फ्राई कर रही हूँ इसमें और ये मज़ेदार से जो है हमारे चुल्लू कबाब यहाँ रेडी हो रहे हैं। सही है जी। अब देखें मैंने, जब आपको लगे कि फ्लेम का थोड़ा सा इशू है, आप कि बस आपको फ्लेम का ख्याल रखना है, ना लो ना हाई हो, अदरवाइज इसका जो सारा है वो ख़राब हो जाएगा। अच्छा मज़ीद हम बनाएंगे। चेक भी कर लेते हैं साथ साथ। बस ये हो गए, देखा आपने कितनी जल्दी हो जाती हैं ये। और आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं इसी तरह से, आप स्कीवर्स में फ्रीज करें और फिर निकाल के इसको फ्राई करें। इसको निकाल के फिर मैं मज़ीद बनाने लगूंगी, वरना जो है वो मैं थोड़ा सा निकाला इसको। और देखें ये टूटी भी नहीं, ठीक है जी। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे शिफ्ट और अब इत्मीनान से हम बनाएंगे यहाँ पर। ये देखें इस तरह से आपने इंसर्ट करा। यहाँ से बस इसको लॉक करिएगा, ठीक है। ये आपने लॉक किया और ये देखें ये हमने इसको फ्राई करने रख दिया। अगेन हम इस तरह बनाएंगे। अच्छा अगर आपके पास स्कीवर्स नहीं है तो आप हाथ से भी बना के इसको और कर सकते हैं, तो मैं लास्ट में आपको एक दो हाथ से भी बना के इसको सिखा दूंगी, क्योंकि जो काम हम हाथ से कर सकते हैं बगैर चीज़ों के कर सकते हैं, तो वो काम भी हमें आने चाहिए, ठीक है जी। ये बनाएंगे और ये हम इसमें डालेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे। इसको आई थिंक ये हो गई है, तो मैं इसको जल्दी से जो है वो निकाल लूं साइड से इसकी, ठीक है। ये यहाँ पर हम जी ये भी हमने निकाल दिए
और मज़ीद हम इसमें डालेंगे। इसको पहले हम शिफ्ट करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो धुआं धुआं, और आपने देखा इसमें ऑयल भी कितना कम यूज़ हो रहा है, तो ये हेल्दी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा ओवर कुकड नहीं है। ओवर कुक चीज़ों से गज़ाइत जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। आप सेम इसी प्रोसेस से बीफ में भी बना सकते हैं। अच्छा जी, इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया और अब मैं इसको वापस, क्योंकि इतनी देर में ऑयल हो गया होगा ठंडा, तो अब हम इसको वापस से शिफ्ट करेंगे और ये यहाँ पर मैं मज़ीद एक और इस तरह से फ्राई कर रही हूँ। ठीक है जी, और बाकी की भी हम जब तक बना लेते हैं झटपट से। ये देखें, और यकीन जाने आप बाजार से मंगवाएं तो ये बहुत कॉस्टली पड़ती है, और घर में कितनी जो है वो कम बजट में और फिर प्रॉपर, आपको पता है आपके सामने हर चीज़ है, तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बाजार की चीज़ों का आपको पता नहीं होता है, और बिल्कुल इसका बाजार वाला टेस्ट आता है। इसको हम टर्न करेंगे। कुक्ड हो रही है, आज मैंने स्मोक का फ्लेवर नहीं दिया, ऑलरेडी इतनी स्मोक हो रही है इससे। अच्छा, ये बनाएंगे हम और उसके बाद कुछ जो है मैं आपको हाथ से बना के भी दिखाऊंगी, तो ताकि आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों उस तरीकों से आपको जो है वो आ जाए। इसको फ्राई करेंगे, जब तक मैं इसको फ्राई कर रही हूँ जब तक टाइम हो गया एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक के बाद हमें दोबारा ज्वाइन करना है, तो हम करेंगे इसके बाद इसकी प्रेजेंटेशन। तो ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस और मजेदार से यहाँ पर बने हैं चुल्लू कबाब, और साथ साथ जो है मैंने आपको कहा था कि मैं हाथ से भी आपको बनाने सिखा दूंगी, तो मैंने सिर्फ एक बॉल ली, बॉल बनाई इसकी, बॉल बना के ये देखें ये मेरे हाथ में है। उसके बाद आपने इसको यूं करना है, ठीक है, हाथों में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करा हुआ होगा, इस तरह से आप हाथों की मदद से इसको करें, ये देखें ये आप करें, और अब हम करेंगे इसको फ्राई। ठीक है जी, ये देखें कोई भी शेप दे लें आप, तो ये मैंने इसको थोड़ा सा शेप दिया है, और अब हम इसमें क्या करेंगे, ऑयल डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। ठीक है जी, आवाज़ आज मेरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा भारी भारी सी निकल रही है, क्योंकि मौसम का जो है वो असर है, और वैसे मैं ठंडा पानी वगैरह नहीं पीती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों, या तो कुछ एटमॉस्फेयर में इस तरह का है। और अच्छा जी, तो हम थोड़ा सा, लेकिन सर्दियाँ बड़ी अच्छी होती हैं, मज़ेदार होती हैं। ठीक है जी, और जो फूड लवर्स हैं ना उनके लिए ये बेस्ट सीज़न होता है, क्योंकि इसमें भूख बहुत लगती है, और इस तरह के जो खाने होते हैं पाए वगैरह होते हैं तो वो बड़े मज़ेदार लगते हैं। तो इंशाल्लाह पाए बनाने वाले हम आगे जाके, ये देखिए आपने बस इसको इस तरह से डाला, ये छोटा सा था, इसको मैंने कहा वेस्ट क्यों करूँ, और मुझे छोटी सी चीज़ें होती हैं बड़ी क्यूट लगती हैं, तो ये बहुत क्यूट सा भी लगा मुझे, तो इसको हम इस तरह डाल देते हैं। ठीक है जी, ये देखें आप ये शिफ्ट करें, ये देखा आपने बिल्कुल भी नहीं टूटे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, और मज़ेदार से जो है ये तैयार भी हो जाएंगे। अच्छा जी, प्लेट पर थोड़े से मैंने लेमन के स्लाइसेस रख दिए थे, साथ साथ जो है वो मैं स्कीवर्स रख देती हूँ, ऑयल इसका एक्स्ट्रा निकल चुका है, और ये देखें हम ये हमारी प्लेट तैयार हो गई है। ठीक है जी, इसको मिक्स करेंगे और आज स्मोक का फ्लेवर जो है वो दे देते हैं।
जी, तो यहाँ पर स्मोक का फ्लेवर दे दिया है हमने। इसको टर्न करेंगे। बस इसको एक से दो मिनट के लिए हम कुक करेंगे और ये टू मिनट्स में जो है वो एक एक स्कीवर रेडी हो रहा है। असल टाइमिंग इसकी क्या होती है, इसकी मैरिनेशन भी आपने देखी है कि कितनी सिंपल है। असल टाइमिंग इसकी ये होती है कि हमें जो है इसको इसके अंदर इंसर्ट करना होता है स्कीवर में, तो थोड़ा सा उसमें टाइम टेकिंग होता है, अदरवाइज बहुत सिंपल रेसिपी है। अच्छा, रेसिपी का थोड़ा साथ साथ मैं रिकैप कर देती हूँ जब तक ये बन रहे हैं। तो रेसिपी का रिकैप ये है कि हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जो है वो मैंने लिया था 350 ग्राम मैंने चिकन मिंस लिया था, उसको मैंने अच्छी तरह स्क्वीज़ कर लिया था। अगर मैं स्क्वीज़ नहीं करती उसका पानी मॉइस्चर रह जाता तो ये थोड़ा सा जो है वो टूटने लगते, ब्रेक होने लगते। और साथ साथ फिर मैंने क्या किया, मैंने एक अदद बिग साइज़ की प्याज ली, ग्रीन चिली ली एक अदद, और मैंने 3 लहसुन के जवे और छोटा सा मैंने लिया जिंजर का टुकड़ा, उन सबको मैंने ग्राइंड करा, उसके बाद उनको भी मैंने स्क्वीज़ करा। उसके बाद जो है वो मैंने उसको ऐड करा उसके अंदर मैंने गरम मसाला शामिल करा, उसके अंदर मैंने ज़ीरा शामिल करा, पेपरिका पाउडर, क्रश चिली, और मैंने टिक्का मसाला थोड़ा सा फ्लेवरिंग के लिए लिया था। तो ये तमाम इन्ग्रीडियंट्स कंपाइल करके और घी डाल के 1 टेबल स्पून घी और 2 टेबल स्पून मैंने ब्रेड क्रम्स ऐड करके इनको अच्छी तरह हाथों से गूंद लिया था। उसके बाद मैंने इसकी वॉल्स बनाई और आपके सामने इसको रेडी किया। तो बहुत सिंपल सी थी हमारी आज की रेसिपी। आप लोग ज़रूर बताया करें, अपना फीडबैक दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, इससे होती है हमारी अप्रिसिएशन जी। तो इसके साथ ही हमारी आज की रेसिपी हो गई है कंप्लीट, और हमने यहाँ पर बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार से चिकन चुल्लू कबाब या चिल्लू कबाब। तो इसके साथ ही मुझे और मेरी वीनस आईजी टीवी की टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे आपसे एक नए दिन और एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।